नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर, फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। केंद्र सरकार की जन विरोधी नेता के खिलाफ जॉइंट फॉर्म द्वारा आगामी 23 और 24 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी को लेकर जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस कार्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस श्रमिक गठन इटक की ओर से यह सभा की गई। सभा में जिला कांग्रेस श्रमिक संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। सभा में भारत बंद को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। जिला प्रशासन के बंद का सोमवार को चौथा दिन था। इसी दिन शहर के 3 इलाके पूरी तरीके से बंद रहे। इसी तरह सोमवार को खाना बाजार सहित शांति पाड़ा और वकील पाड़ा के बाजार हाट पूरी तरीके से बंद रहे। इस दिन निर्देश के अनुसार बाजार हाट पूरी तरीके से बंद किए गए। साथ ही इलाके में वाहनों की आवाजाही काफी कम दिखाई दी। स्कूल कॉलेज खोलने की मांग पर पथावरोध में स्कूल के विद्यार्थी शामिल हुए। सोमवार को अलीपुरद्वार के सीलबाड़ी हाट इलाके के अलीपुरद्वार से फालाकाटा जाने वाले राज्य सड़क पर छात्रों ने पथावरोध किया। इस बारे में विद्यार्थियों ने बताया कि कोशिश प्रोटोकॉल के तहत स्कूल कॉलेज को खोलने की हम मांग कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था यह पथावरोध। खबर पाकर सोनपुर फाड़ी की पुलिस वहाँ पहुंची और अवरोध हटाया। अवैध रूप से ट्रक में बालू पत्थर लद कर ले जाने के दौरान पुलिस ने जब्त करके दो लोगों को किया गिरफ्तार। इलाके में दिनों दिन बालू और पत्थर का अवैध व्यापार चलता आ रहा है, जिसे रोकने के लिए जलपाईगुड़ी के रायगंज की पुलिस काफी सक्रिय हो गई है। इस बार रायगंज थाना के IC पंकज सरकार ने बताया कि अवैध कारोबार के खिलाफ वह लगातार अभियान चलाते रहेंगे। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा करशम शाखा समिति की एक बैठक आज पार्टी कार्यालय करशम मजार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शाखा समिति के अध्यक्ष नीमा लामा ने की और संचालन रवीन लामा ने किया। आने वाले दिनों में पहाड़ की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर व्यापक चर्चा की गई। प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर विभिन्न रूटों पर चल रहे टोटो के उत्पन्न जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। सोमवार सुबह मालदा शहर के 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास रथपाड़ी इलाके में पुलिस ने यह अभियान चलाया। इस दौरान दूसरी तरफ अवैध रूप से चल रहे ऑटो को धर पकड़ा गया। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। न्यू जलपाईगुड़ी थाना की पुलिस ने सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर तीन बत्ती मोड़ इलाके में छापेमारी की। तीन युवकों को बेवजह इधर उधर घूमते देख पुलिस को शक हुआ। पूछताछ करने पर उनके पास से सोने के नकली बट बरामद हुए, जिसका वजन 1 किलो 363 ग्राम बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अगर सोने की बट असली होती तो बाजारी मूल्य 60 लाख रुपए से ज्यादा होता। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ठगी करने वाले गिरोह के दो लोग बट को 20 लाख रुपए में बेचने की योजना बना रहे थे। रविवार रात गुप्त जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी महाकमा के फांसी दवा ब्लॉक में अभियान चलाकर एक पत्थर लदे ट्रक को रोककर कागजात दिखाने को कहा, लेकिन कोई वैध कागज नहीं दिखाने पर ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम साहिल अख्तर बताया जा रहा है। अख्तर दिनाजपुर के चोपड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि पुलिस इस तरीके के अभियान लगातार चलाती रहेगी। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर लगभग हर दिन कोरोना नियमों को मानकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सोमवार को वार्ड नंबर 24 के कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक कार ने सैनिटाइजर और मास्क देकर लोगों को सूचित किया। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों को मानने के साथ ही स्वास्थ्य नियमों को मानना जरूरी है, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। नमशुद्र कल्याण समिति ने गाजोल के सैकड़ों जरूरतमंदों में कंबल वितरण किए। सोमवार सुबह गाजोल ब्लॉक के एक गैर सरकारी लॉन्च परिसर में संगठन की ओर से कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन के राज्य व जिला के सदस्य उपस्थित रहे। संगठन की ओर से बताया गया कि यह कार्यक्रम अराजनीतिक है। इस दौरान करीब 200 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया। गाउल के लखीपुर स्पोर्टिंग क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मालदा मेडिकल कॉलेज के ब्लॉक में रक्त के कमी ना हो, इस कारण से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
क्लब के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह शिविर लगाया गया। इस दौरान कुल 50 पुरुष महिलाओं ने रक्तदान किया। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा नियर भक्ति नगर चेक पोस्ट सेवक रोड सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहां आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, सेकेंड फ्लोर कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400.